हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि किस तरीका से आप अपने मोबाइल में बिना फोन नंबर के कोई भी ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। आपको ना कोई फोन नंबर का जरूरत होगा, आपको कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा, आप अपना फोन में एक ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आपका फोन न्यू हो या पुराना हो, इस मेथड से आप अपने मोबाइल में एक नया ईमेल आईडी बना सकते हैं, वो भी कोई फोन नंबर के। तो अगर आप भी बिना फोन नंबर के ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा कि किस तरीका से अपने मोबाइल में एक ईमेल आईडी को बनाया जाता है। तो फ्रेंड बने रहें इस वीडियो में, और फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से अपने मोबाइल में एक ईमेल आईडी को बनाया जाता है। तो ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। और यहाँ पे सेटिंग में जाके अब आपको करना क्या है, इस तरीका से फ्रेंड अगर आपका फोन नया भी होगा और या पुराना भी होगा, फिर भी आप इस तरीका से अपने मोबाइल में एक नया ईमेल आईडी को बना सकते हैं। अगर फ्रेंड आपके फोन में कोई भी ईमेल आईडी नहीं है, फिर भी आप इस तरीका से अपना ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग में आके आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट एंड सिंस, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस बार आपको थोड़ा सा नीचे ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एड अकाउंट, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में दिया हुआ है गूगल, आपको इस गूगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके फोन में जो भी लॉक वगैरह लगा होगा यहाँ से आपसे मांगेगा, तो आपको अपना लॉक वगैरह को वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक ऐसा पेज ओपन हो चुका है, आपके फोन में भी ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको नया ईमेल आईडी को बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, आपको सिंपल सा क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर फ्रेंड आपके पास कोई पुराना ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे इंटर करके ईमेल और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ आपको बता रहा हूँ नया ईमेल आईडी बनाने के लिए। तो नया ईमेल आईडी को बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉपअप आ गया। अगर आप अपना ईमेल को पर्सनल यूज करने के लिए बना रहे हैं तो आपको सिंपल सा फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है, या तो अगर आप अपना ईमेल को कोई बिजनेस में लगाने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड वाले को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पर्सनल यूज करने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जिस नाम से भी अपना ईमेल आईडी को बनाना होगा आपको सिंपल सा यहाँ पे सबसे फर्स्ट में वो नाम देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम को इंटर कर दिया है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपल सा नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। और डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे में दिया हुआ है जेंडर, आपको जेंडर भी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी जेंडर होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ये तीन दो ईमेल मेरे पास आ गया है। यहाँ पे चाहे तो आप ये दोनों ईमेल को भी रख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा ईमेल मेरे लिए आया हुआ है। और फ्रेंड अगर आप चाहते हैं अपने से ईमेल को क्रिएट करना, तो यहाँ पे क्रिएट योर वन जीमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप अपना ईमेल खुद से बना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फोन से जो अपने से बना के दिया है, देख सकते हैं अमन ग्रोथ 23, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा ईमेल दिया हुआ है। तो मैं सिंपल सा यही वाला ईमेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ यही ईमेल मेरा रहे। और अगर आप चाहते हैं इसमें एडिट वगैरह करना, तो यहाँ से ये नीचे क्रिएट वाले क्रिएट योर वन जीमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप इसे एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सेकेंड वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे अब बोलेगा पासवर्ड को बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा पासवर्ड को बनाना है जो कि किसी को पता ना चले, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक अपना
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेता हूँ। और पासवर्ड को बना लेने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ईमेल होगा यहाँ पे बनने के लिए रेडी हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको बोलेगा अपने ईमेल में फ़ोन नंबर को ऐड करने के लिए, तो आपको सिंपल सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे SIM के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये हमारा ईमेल जो है यहाँ पे ये बन चुका है। अब यहाँ से सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर यहाँ पे एक दूसरा पेज ओपन होगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ईमेल होगा वो बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा ईमेल बना या नहीं। और फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर को भी नहीं ऐड किया, बिना फ़ोन नंबर के ही मैंने अपना ईमेल को क्रिएट कर लिया। तो मैं यहाँ पे आपको अपना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मेरा ईमेल जो था बना या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैंने अभी ईमेल बनाया यहाँ पे ये ईमेल बन चुका है, वो भी बिना कोई फ़ोन नंबर के। तो फ्रेंड इसी तरीका से आप भी अपना एक ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरीका से एक ईमेल आईडी को बनाया जाता है, वो भी कोई बिना नंबर के। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।